स्वागत है आपका कार देखो एक्सप्लेन सीरीज में, जहां गाड़ियों से रिलेटेड कुछ अटपटे और पेचीदा पहलू हम आपको सिंपल करके समझाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन्स के बारे में। सभी सस्ती गाड़ियों में यही क्यों आते हैं और बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ये कैसे अलग है? वेलकम टू कार देखो एक्सप्लेन। AMT का मतलब होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि एक ऐसा मैनुअल ट्रांसमिशन जिसमें गियर चेंज अपने आप ही हो जाते हैं। और इसकी फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल मैनुअल ट्रांसमिशन जैसे ही होती है। क्लच दबता है, गियर चेंज होता है और फिर क्लच छूटता है। लेकिन ये सारे काम आप नहीं करते, बल्कि गाड़ी खुद अपने आप करती है। और गियर चेंज कब करना है ये आप डिसाइड नहीं करते, बल्कि गाड़ी का ECU यानी कि गाड़ी का कंप्यूटर डिसाइड करता है और अपने आप कमांड देके गियर चेंज करवा लेता है। अब क्लच दबना और गियर चेंज होना होता है एक्चुएटर्स की मदद से। ये हाइड्रोलिक या फिर इलेक्ट्रिक हो सकते हैं और इनकी ट्यूनिंग भी डिपेंड करता है कि गियर शिफ्ट कितने क्विक और कितने स्मूथ होंगे। बाकी सभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का क्लच और गियर चेंज होने का प्रोसेस काफी अलग और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन क्योंकि उनको शुरू से ही डिजाइन किया जाता है गियर चेंजेस को स्मूथ और क्विक रखने के लिए, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। AMT ट्रांसमिशन एक तरीके से मैनुअल के ऊपर ही एक मॉडिफिकेशन है, ताकि गियर चेंज एक मैनुअल ट्रांसमिशन में ही अपने आप हो जाए। इस वजह से AMT ट्रांसमिशन बाकी सभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी कि टॉर्क कन्वर्टर या फिर DCT से काफी अलग होता है। अब ये ट्रांसमिशन कैसे काम करते हैं वो हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अब जैसे मैंने कहा, AMT मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ये एक मॉडिफिकेशन है, ताकि गियर चेंज अपने आप हो जाए। इस वजह से ये सस्ता तो होता है, लेकिन यहाँ पे गियर चेंजेस स्लो और थोड़े रफ होते हैं। इस वजह से ये आपको ज्यादातर सस्ती गाड़ियों में ही मिलेंगे। तो मैनुअल के ऊपर लगभग 50,000 रुपए ज्यादा दे के आपको ये AMT टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जबकि बाकी सारे ऑटोमेटिक्स 1,00,000 से भी ज्यादा का प्राइस प्रीमियम कमांड कर सकते हैं। और तो और, यहाँ पे आपको कोई हाई मेंटेनेंस या लो माइलेज का प्रॉब्लम भी नहीं आता। लेकिन AMT का परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा, बाकी ट्रांसमिशन जितना अच्छा नहीं है, और सबसे ज्यादा ये पता लगता है एक्सेलरेशन में। तो 100 की रफ्तार तक पहुंचने के लिए AMT मैनुअल के मुकाबले लगभग 3 से 4 सेकंड स्लो होते हैं। जी हाँ, AMT एक सस्ता और अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक कम बजट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ढूंढ रहे हैं तो, और कम्यूट करने में इसमें आपको कोई भी परेशानी भी नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई महंगी गाड़ी है, 10,00,000 से ऊपर की गाड़ी है, और आपको उसमें AMT टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो वो उस गाड़ी का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब कर सकती है, और तभी आपको ये अवॉइड करना चाहिए।